हम सभी को कभी ना कभी यहां से रिटायर होना है। आज हमारे चार साथी जो जम्मू कश्मीर से है, मीर मोहम्मद फयाज, शमशेर सिंह मनास, नजीर अहमद और हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब रिटायर हो रहे हैं। ये सभी जम्मू कश्मीर से है, एक ऐसा राज्य है जो हमेशा हमारे दिल में राज करता आया है। ये हमारे जो साथी है, हमेशा नजीर भाई या मीर मोहम्मद जी जब भी मिलते थे इतने सालों में, हमेशा कश्मीर की समस्या के बारे में, उनके युवाओं के बारे में हमसे बात करते थे और हमें हमेशा निमंत्रण देते थे, आप कश्मीर में आइए, आप खुद देखिए स्थिति क्या है। और हम भी बोलते थे हम जरूर आ जाएंगे। और जब से 370 हटा दिया हमारे गृह मंत्री जी ने, तब तो मैं उनको बोलता था कि आपको अभी तो हमको आना ही पड़ेगा कश्मीर में स्थिति देखने के लिए। लेकिन अभी आज हम रिटायर हो रहे हैं, आप लोग हमारे अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद, जैसे सतीश जी आपने कहा कि मुझे भी विश्वास नहीं हुआ आज कि आज़ाद साहब रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति है आज़ाद साहब, वो तो कश्मीर के गुलाब है बिन काटे के। उनकी सभ्यता, उनकी नम्रता, वो हमेशा हमें मार्गदर्शक रही। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही आज़ाद साहब के बारे में, और खुद प्रधानमंत्री भावुक हो गए, उनके आंखों में आंसू है आज आए एक व्यक्ति जो यहाँ बैठे उनके लिए, और कुछ समय तक हम भी भावुक हो गए उनकी बात सुनकर, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जिनके साथ हम इतने सालों से काम करते रहे, उनका मार्गदर्शन लेते रहे, वो आज इस सदन से हमें छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि ये सदन उनके बिना आज जो सुना सुना लगेगा, ये महफिल, ये तो महफिल के आदमी है गुलाम नबी आज़ाद, जल्दी ही इस महफिल में, इस चमन में लौट आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आज़ाद साहब ने राजनीति का, इस देश के राजनीति का एक ऐसा दौर देखा है, बहुत बड़ा कालखंड देखा है, इंदिरा जी से लेकर मोदी जी तक। तो मैं तो कहूँगा कि आपको जो समय अब मिलेगा, आप एक आत्मकथा लिख लीजिए इंदिरा जी से मोदी जी तक, कि जो आपने देखा है, जो आपने अनुभव लिया है, वो बहुत कम लोगों ने इस देश के राजनीति में नज़दीक से देखा है। कश्मीर से एक युवा कार्यकर्ता दिल्ली में आता है उस वक्त 1975 बराबर, और उस समय आपको मालूम है क्या थी इस दिल्ली की स्थिति? बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े राजनीति के महाराजा महारानी यहाँ बैठे थे सिंहासन पर, और आप जैसे युवा उस वक्त यहाँ काम कर रहे थे, और आपने मेहनत से, संघर्ष से, गांव से आए थे, आप इस मकान पर आप पहुँच गए हैं, ये हमारे लिए भी एक गर्व की बात है, एक स्वाभिमान की बात है। तो मुझे लगता है कि आज़ाद साहब आप कभी रिटायर नहीं हो, और महाराष्ट्र से उनका बहुत पुराना रिश्ता है, ये महाराष्ट्र से चुनकर, जैसे पवार साहब ने कहा कि वाशिम विदर्भ से, हाँ बहुत ही ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है, पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आप चुनकर आते थे। आज भी अगर आप विदर्भ में जाएंगे तो आज़ाद साहब को चाहने वाले आज भी एक जनरेशन है उस वक्त की, और अब आज़ाद साहब को आप कभी सामने मिले हमारे जैसे लोग, तो मराठी में थोड़ी बहुत जो उस वक्त सीख ली थी, काय कसकाया है वगैरह ऐसे वो बात करते हैं आज भी, जैसे मोदी जी कभी कभी मराठी में बात करते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता रहा महाराष्ट्र से, वैसा आज़ाद साहब भी जब भी हम जैसे लोग सामने आते हैं तो दो शब्द, दो वाक्य तो मराठी में बोलेंगे ही। ये जब जहाँ जाते हैं उस स्टेट से, उस लोगों से उनका रिश्ता कायम रहा है। आपके कांग्रेस पार्टी में नेता बहुत है आज़ाद साहब, नेताओं की कमी नहीं आपके पार्टी में, लेकिन पूरा देश जिनको जानता है, पहचानता है, वो गुलाम नबी आज़ाद आप जैसे बहुत कम लोग हैं, जो पूरा देश को अपने
साथ आप लेकर काम करते, हमने बहुत नजदीक से देखा है। मैं आज आपको फेयरवेल नहीं दूंगा, मैं आप यहाँ आने तक आपका इंतजार करता रहूंगा और मुझे विश्वास जरूर आएंगे। फिर एक बार आपको शुभकामनाएं देता हूँ।